हरियाणा के भिवानी में आपराधिक घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे खासकर व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, जिसको लेकर व्यापारियों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला ले लिया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला प्रधान भानु प्रकाश शर्मा ने कहा कि शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शहर के विभिन्न बाजारों में व्यापार मंडल द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक व विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। आपको यहां बता दें कि भानु प्रकाश शर्मा यहां नगर सुधार मंडल स्थित एक बिजी रेस्तरां में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। जिला प्रधान भानु प्रकाश शर्मा व गिरधारी लाल मेहता ने कहा कि शहर में आपराधिक घटनाएं पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही हैं। ऐसे में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने फैसला लिया है कि शहर के विभिन्न बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम शहर में किसी पुलिस थाने या चौकी में बनाया जाए, ताकि कोई आपराधिक वारदात घटित है तो उसको समझाने में पुलिस प्रशासन को सफलता मिल सके। उन्होंने कहा कि वह नगर व्यापार मंडल के भी प्रधान हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने उन्हें भिवानी जिले के प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की हर प्रकार की समस्या का समाधान करवाने के लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सक्रिय है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर दुकानदार व व्यापारी को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं सभी व्यापारियों को कोरोना काल में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाने पर कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है, वह किसान ही नहीं बल्कि व्यापारियों के भी विरोध में है, क्योंकि अगर व्यापक बाजार में पैसा ही नहीं आएगा तो व्यापारी कैसे काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से पूंजीपतियों को लाभ होगा, किसान, व्यापारी व दुकानदार बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों व दुकानदारों की हर समस्या का समाधान करवाने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और भविष्य में भी तत्पर रहेंगे। बाजरा, उसका समर्थन मूल्य है 2125 रुपए और समर्थन मूल्य तो दे दिया, लेकिन वो सरकार इन रेटों में किसानों से खरीद तो नहीं रही। आज किसानों का बाजरा मंडी में पड़ा हुआ है, गड़ रहा है, सड़ रहा है और उसको सरकार ले नहीं रही, और बाजार में वो कह रहे हम लेंगे 1200-1300 रुपया में। इस ऊपर किसान वो आड़ती या कोई हम लेते नहीं, तो हमारा ये कि अगर MSP रेट दो तो उसको इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि 13000 अनाज जो है MSP रेट पे बिकेगा। और MSP रेट बनाने के बाद भी सरकार को कानून में एक चीज़ लानी चाहिए कि 20 रुपये MSP खरीद है तो ये 25 रुपये 22 रुपये जो उनका खर्चा लगा के 30 रुपये से ऊपर ना बिके, नहीं तो महंगाई और बढ़ जाएगी। ये कारपोरेट घराने अपनी मनमानी करेंगे और जो रेट 20 की है वो 80 रुपये में बिकेगी। हमारे लिए जैसी भी कोई सेवा के लिए कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। है ना, जो हमारा किसान है और व्यापारी, हमारी जो कुछ देता है वो किसान ही तो देता है। अब किसान की फसल होती है उसका पैसा बाजार में आता है, और अगर आज ये किसान पूंजीपतियों को बड़े बड़े को माल बेच देंगे, वो हमारी मंडियों में माल नहीं आएगा तो वो पैसा हमारे भिवानी कहाँ से आएगा। अब एक ये अनाज मंडी है, इसमें कितने हमारे आड़ती हैं और कितने औरों ने इनके साथ, कोई खल पिनोड़े का काम कर रहा है, कोई किराने का कर रहा है, कोई हलवाई है। अगर आज किसान मंडी के अंदर नहीं आएगा तो ये मंडियाँ बंद नहीं हो जाएंगी, उन दुकान वो कितने बेरोजगार हो जाएंगे। एक जो हमारा आड़ती है उसके पास उसका मुनीम भी है, नौकर भी है और भी कई कर्मचारी हैं, उन बेचारों का पेट भर रहा है ना। अगर आज किसान मंडी में नहीं आएगा तो ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी, कितनी बेरोजगारी हो जाएगी। अच्छा, क्या सरकार उनको देगी, इनका मंडी वालों को कुछ, किसानों को तो दे देगी लेकिन व्यापारी को कोई मदद नहीं देता। हमारी तो यही मांग है, किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और वो मांगे माननी जानी चाहिए। और किसान है ना, आज लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं लड़ रहा, वो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है इस टाइम पे। अगर ये कारपोरेट घराने को सीधा कॉन्टैक्ट हो गया तो आम आदमी को आज मैं आपको घी तेल की बताता हूँ कि 4 महीने पहले 1400 रुपये का जो टीन था आज वो 2100 रुपये का हो रहा है। सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है रेट बढ़े क्यों है, क्या कोई फसल कम थी या कोई पीछे से रेट बढ़ गए, ये कहकर रेट बढ़ा दिए जाते हैं कि माल की शॉर्टेज है। और ये कॉरपोरेट घराने खरीदेंगे
तो ये तो कहीं विदेश में बेच के थोड़ा सामान अपने रख के कितने रेट बढ़ा लो। कानून बनाने से पहले किसान संगठन को साथ लेना चाहिए था। वही कानून आगे कामयाब होता है जिसमें जिसके प्रति कानून बनाया जाता है उसके भी प्रतिनिधि शामिल हो। GST में हुआ था, कोई व्यापारी प्रतिनिधि नहीं था, तो आज 1000 से ऊपर ज़्यादा चेंजिंग हो ली है, लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसा ही है। अब अभी उसमें अधिकारी भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है। सरकार को तो ये चाहिए कि भाई किसानों को उसमें लेके शामिल करके इसको वापस कर लो। वापस करने के बाद उनको बिठा के जो बढ़िया लगे वो अपने बना दो दोबारा। सारी जनता परेशान हो रही है दोनों आज। अब एक आदमी कितना अनाज रख लो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अब ये कौन खरीदेगा? ये वही खरीदेंगे जो पूंजीपति हैं। आम तो छोटा मोटा व्यापारी तो नहीं ले सकता ना, और वो लेगा तो वहाँ से कुछ उसको स्टॉक करेगा और बाद में आज जिस गांव में ले रहा है उसको डबल भाव बेचेगा, ट्रिपल भाव बेचेगा। आज सरसों का रेट समर्थन मूल्य सरकार का 42.5 था और आज 57 रुपये बिक रही है। अब सरसों का तेल देखो कितना महंगा हो गया, जबकि वो एक आम गरीब जो आम आदमी है वो लेता है। बोल भाई, बोलते ही बोलते ने कोरोना काल के अंदर अपनी जान की जोखिम में डाल के सभी भाइयों की सेवा की। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी बाज़ार से उपलब्ध था सेम रेट में लोगों की सेवाएं की, ये सराहनीय है। और हम किसानों का समर्थन करते हैं, मगर गणतंत्र दिवस को इसके ऊपर कोई भी विघ्न नहीं होना चाहिए। इस बात के हम खिलाफ हैं कि वो गणतंत्र दिवस में कोई विघ्न डाले। CCTV कैमरे की तो है ही, लेकिन बाज़ारों के अंदर क्या है जी, शौचालय नहीं, तो वहाँ बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा फिर वो शौचालय कौन बनाएगा? वो बनाएगी सरकार। आज जो दुकानदार है उसको भी दिक्कत है, और जो ग्राहक आता है खासकर लेडीज वगैरह वगैरह को तो बहुत दिक्कत होती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि शौचालयों का ऐसा सुचारू रूप से किया जाए ताकि आम आदमी को दिक्कत ना हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.